शुक्रवार को स्कूल बंद करोगे तो अब हम मंगलवार को करेंगे। बहुत हुआ तुम्हारा तुष्टीकरण, अब हम ही इंसाफ करेंगे। जो जिस भाषा में समझे वैसे ही समझाएंगे, उसके साथ ही जनसंख्या विस्फोट रुकवाएंगे। साल था 2022, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में जुमे की नमाज के बाद पथराव के बाद बवाल हुआ था, जिसमें कई लोग घायल हुए थे, पुलिस वालों को भी चोट आई थी, कई गाड़ियां टूटी थी, जिसके बाद शनिवार को योगीराज में बुलडोजर की धमक दिखी थी और उपद्रवियों के खिलाफ जबरदस्त एक्शन हुआ था। तब बीजेपी के विधायक शलभमणि त्रिपाठी ने कहा था, उपद्रवियों को याद रखना चाहिए, हर शुक्रवार के बाद शनिवार जरूर आता है और उस दिन योगीराज में हिसाब किया जाता है। ये बात महज कट्टरपंथियों को ये बताने के लिए थी कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। लेकिन अब एक बार फिर से कुछ इसी तरीके की बात शुरू हो गई है और इस बार मोर्चा संभाला है असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने। मामला है स्कूलों में छुट्टी का। जी हाँ, हेमंत सोरेन के राज में कई स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी झारखंड में दी जा रही थी, जिसके बाद सोरेन सरकार के खिलाफ बीजेपी ने हल्ला बोल दिया था। उस वक्त तो मामला रफा दफा हो गया था, लेकिन कुछ स्कूलों में इसके बावजूद नियमों का पालन नहीं हुआ। ऐसे में असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने अब ऐसा ऐलान किया है, जिसे सुनकर हेमंत सोरेन के भी पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि हिमंता खुलेआम कह रहे हैं, बहुत हुआ तुम्हारा तुष्टीकरण, अब हम ही इंसाफ करेंगे। तुम शुक्रवार को स्कूल बंद करोगे तो हम मंगलवार को करेंगे। स्कूल कब बंद होता है? रविवार को बंद होते हैं। शुक्रवार स्कूल बंद होते हैं क्या? मैं हेमंत सोरेन को पूछना चाहता हूं, अगर आप उनके लिए शुक्रवार को स्कूल बंद करते हो तो हनुमान को पूजा करने के लिए हमारा भी बच्चा को मंगलवार बंद हो स्कूल को, हमारा बच्चा को भी मंगलवार बंद करो। झारखंड में खड़े होकर हिमंता बिस्वा सरमा ने खुलेआम ये ऐलान करते हुए सोरेन पर जबरदस्त हमला बोल उन्हें तगड़ी चेतावनी भी दे डाली और बता दिया कि अगर वो तुष्टीकरण करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें माकूल जवाब भी दिया जाएगा। खैर, झारखंड में स्कूलों में छुट्टी का मुद्दा बार बार क्यों उठता है, ये समझने के लिए आपको साल 2022 की एक खबर की याद दिला देते हैं, जब मुस्लिम बहुल इलाके के 519 स्कूलों को दबाव में रविवार की जगह शुक्रवार को बंद किया जाने लगा था, जिस पर बवाल मच गया था और फिर प्रशासन ने 450 से ज्यादा स्कूलों की छुट्टी शुक्रवार की जगह वापस रविवार को करवाई थी। लेकिन कई स्कूल अब भी शुक्रवार को ही बंद हो रहे हैं। यही वजह है कि अब बीजेपी ने भी इसे मुद्दा बनाया और तुष्टीकरण करने वालों के एजेंडे को तोड़ रही है। ऐसे में हिमंता ने जिस तरीके से कहा है, तुम शुक्रवार को स्कूल बंद करोगे तो हम मंगलवार को करेंगे, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताएं। और उन्होंने अपने बयान में और क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। स्कूल कब बंद होता है? रविवार को बंद होते हैं। शुक्रवार स्कूल बंद होते हैं क्या? मैं हेमंत सोरेन को पूछना चाहता हूं, अगर आप उनके लिए शुक्रवार को स्कूल बंद करते हो तो हनुमान को पूजा करने के लिए हमारा भी बच्चा को मंगलवार बंद हो स्कूल को, हमारा बच्चा को भी मंगलवार बंद करो। देखिए, हमारा हिंदू, हम कम्युनल नहीं है, ये देश हमारे थे। जब संविधान रचना किया जाते थे, संविधान सभा में सारे लोग हिंदू थे, हम बोल सकते थे कि देश मंगलवार बंद होगा, लेकिन हमने ये नहीं किया। ब्रिटिश का दिन से ही रविवार स्कूल बंद होते हैं, हिंदू ने मान लिया। लेकिन आज देखिए, हमने बड़ा दिल दिखाया, लेकिन आज क्या हो रहा है, शुक्रवार को आज झारखंड में स्कूल बंद होना शुरू हो चुका है। अगर तुम शुक्रवार को स्कूल बंद कर सकते हो, हमारा में भी दम है, हम भी मंगलवार स्कूल बंद कर सकता हूं।